गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का नेपच्यून लोग क्लास 10th मैथ्स एनआईओएस का चैप्टर नंबर 16 एंगल्स इन अ सर्कल एंड साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। आज हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज 16.1। लेकिन शुरू करने से पहले कुछ बेसिक टर्म्स जो इस एक्सरसाइज रिलेटेड है, जिनकी जरूरत हमें इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पढ़ने वाली है, तो पहले वो पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो बच्चे देखिए, जैसे चैप्टर का नाम ही है एंगल्स इन अ सर्कल एंड साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ये तो आपका नेक्स्ट एक्सरसाइज रिलेटेड है। एंगल्स इन अ सर्कल के बारे में हम इस एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। देखिए, एंगल्स इन अ सर्कल क्या होता है कि आपने जो आज तक एंगल्स बनाए हैं वो केवल नॉर्मल इस तरह से बनाए, ठीक है, उनके बाहर से कुछ भी नहीं होता था। ये सिंपल ऐसे दो लाइंस और एंगल बन जाता था हमारा। इस एक्सरसाइज में जो एंगल्स होंगे वो सर्कल के अंदर बनाए जाएंगे, ये ठीक है, ये इस तरह से। अब ये जो एंगल्स बन रहे हैं ये खास पैटर्न में बन रहे हैं बच्चों, ठीक है, और इनका इनके बनने का जो तरीका है वो एक खास इस तरह से अरेंज रहता है कि हमारी जो एप्लीकेशन है वहाँ पे अप्लाई हो जाती है। मतलब जो फॉर्मूला हमने लगाना है वो तभी लग सकता है जब वो इस तरीके से बनाया जाए। अब ये तरीका क्या है वो देख लेते हैं। देखिए, आपने मुझे आर्क सुना होगा, आर्क जो हम ऐसे एंगल्स बनाते हुए लगाते थे ना कंपस से, आर्क, तो आपको पता है वो सर्कल का ही एक हिस्सा है। तो ये जो आर्क है ये एंगल बना रही है, तो आपको पता है एक आर्क में ले लेता हूँ ये छोटी वाली, इसको कहते हैं माइनर आर्क और इसे कहते हैं मेजर आर्क, ये वाली, ये मेजर आर्क हो गई। तो ये जो माइनर आर्क है आप देख रहे होंगे, यहाँ से कॉर्ड की तरह मैं इसे ट्रीट कर सकता हूँ। यहाँ पे एक कॉर्ड अगर बन जाए, ये बनाई होगी या नहीं भी होगी, किसी इमेज किसी फिगर में ये बनी होगी या नहीं भी बनी होगी, तो आपको बस ऐसे ही अंदाजे से पता लगा लेना है कि इस आर्क का लेंथ ये है, तो इसके ऊपर और इसके नीचे दो हिस्से बन रहे हैं, तो इस आर्क ने दो हिस्से बना दिए। वास्तव में कॉर्ड हिस्से बनाती है, लेकिन यहाँ पे कॉर्ड आपको दिखे या ना दिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने बस ये देख लेना है कि आर्क की जो यहाँ पे जो ये जो हमने यहाँ पे मार्क किया है इसको, इससे लगभग 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 सीधा सीधा यहाँ पर ये एक कॉर्ड होना चाहिए। तो इस कॉर्ड के ऊपर एक हिस्सा बन गया और एक नीचे एक हिस्सा बन गया, ठीक है, तो ये वाला कहलाता है हमारा सेगमेंट। तो ये कौन सा वाला सेगमेंट है? ये भी सेगमेंट है, ये भी सेगमेंट है, लेकिन ये कौन सा सेगमेंट है? ये मेजर सेगमेंट है, आपको दिख रहा होगा बड़ा सेगमेंट है, ये माइनर सेगमेंट है, ये छोटा सेगमेंट है। तो अगर आपको एक कॉर्ड नहीं भी दिखती है तो बार बार हम इसको क्वेश्चंस में इस तरह से कहेंगे कि केवल आर्क का निशान होगा, दिख रहा है आपको, ये आर्क का निशान होगा, लेकिन फिर भी हम उसको मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट कह रहे हैं। तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, आप ये मान के चल लेना कि यहाँ पर एक कॉर्ड होगी तो उसकी वजह से यहाँ पर एक मेजर सेगमेंट बन रहा होगा, एक माइनर सेगमेंट बन रहा होगा, ठीक है, ठीक है। अब ये जो आर्क है बच्चे, ये इस सर्कल के सेंटर पर एक एंगल बना रही है और यही आर्क रिमेनिंग सर्कल पर एक एंगल बना रही है, बस इसी की बात हम कर रहे थे। ये देखिए खास पैटर्न में बन रहा है एंगल, ऐसे ही कहीं पर भी नहीं बन जा रहा है। ये आर्क देखिए, इसी आर्क से इन्हीं पॉइंट से दो एंगल बन रहे हैं, एक तो सेंटर पर और एक सर्कल पर, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। तो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पर कहीं पर भी बने, लेकिन ध्यान रखना आपको, हम बात कर रहे हैं इस लाइन से ऊपर ऊपर की। आप देख रहे हैं ये आर्क है जो, ये आपको मैंने यहाँ पे लाइन बनाई नहीं थी, इमेजिनरी आपको उसको मान लेना है कि लाइन होगी। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे वो बनाऊँ एक आर्क, ये आर्क पे मैंने कट लगा दिया, ये रहा एक और ये रहा दूसरा एंगल, तो आपको पता चल रहा होगा कि इस लाइन से तो ये ऊपर ही ऊपर है, इस लाइन से। तो भले यहाँ पे लाइन नहीं दिख रही हो, लेकिन आपको पता है कि इस लाइन से ऊपर ऊपर है, तो हम इनको कहेंगे कि सेम सेगमेंट में है ये, एक ही सेगमेंट में। तो इसको मैं कह लेता हूँ रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, एक ही सेगमेंट में बने देखिए दोनों एंगल। लेकिन यहाँ पे रूल जो लगेगा वो ये लगेगा कि जो सेंटर पर एंगल बन रहा है ये वाला, ये जो आर्क है ये सेंटर पर जो एंगल बना रही है, इसी आर्क से उस रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पर जो एंगल बन रहा है, इनका जो रिलेशन होता है ना वो ठीक हाफ का होता है। मतलब जैसे ये एंगल अगर होगा 100 तो ये होगा 50, ठीक है, ये एंगल 50 होगा तो ये 100 होगा। मतलब सर्कल पर जो एंगल होता है उसका ठीक दोगुना होता है सेंटर पर एंगल से, ये दिख रहा है आपको, ये 100 है तो ये भी 50 होगा, ये देखिए ये 100 था तो ये भी 50 होगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों का जो फुट है वो एक ही जगह से स्टार्ट होता है, इन दोनों एंगल का देखिए आप फुटप्रिंट, ये एक ही है। दूसरा आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक ही सेगमेंट में एंगल बन रही है, देख रहे हैं आपको, एक ही सेगमेंट में बन रही है सारे एंगल, तो सेम सेगमेंट में जो एंगल बनते हैं वो एक जैसे ही होते हैं, इक्वल होते हैं, जैसे ये, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं कॉर्ड बना ही देता हूँ, ये कॉर्ड मैंने बना दी, ये आर्क,
ये जो आर्क है इससे, ये दिख रहा है आपको, ये आप कितने भी एंगल बना दीजिए, ये एक ही सेगमेंट में बन रहे हैं, दिख रहा है आपको, ये एक ही सेगमेंट बन रहे हैं। तो इन सब के ना जो मेजरमेंट होंगे वो एक ही होंगे, ये सब एक ही है। जो ये होगा, जैसे मान लीजिए 50 है, तो ये भी 50 होगा, ये भी 50 होगा, ये भी 50 होगा और ये भी 50 होगा, क्योंकि सेम सेगमेंट में बन रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये पूरे सर्कल तक टच होने चाहिए, ये बात ध्यान रखनी है आपको, ये सर्कल तक टच होनी चाहिए। तो इनको हम कहते हैं कि सेम सेगमेंट में बनने वाले एंगल। अब इसी आर्क से, या आप कह लीजिए कॉर्ड से, कॉर्ड आपको दिखे या ना दिखे, मैंने बोला ना आपको कॉर्ड आपको नहीं भी दिखेगी तो भी आपको इसको सजेस्ट कर लेना, लेकिन हम मेनली आर्क के बारे में बात कर रहे हैं। तो क्योंकि कॉर्ड से सेगमेंट बनता है, वहाँ पे कॉर्ड है नहीं, फिर भी सेगमेंट वर्ड का यूज़ कर रहे हैं, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, आप इसको यहीं से मान लेंगे कि एक इमेजिनरी लाइन होगी। तो मैं बार बार सेगमेंट वर्ड का यूज़ कर रहा हूँ, तो उससे आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, आपको कॉर्ड दिखे या ना दिखे कोई कोई बात नहीं, ठीक है। आप बस आर्क से मान के चलिए और एक अंदाजे से लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा कि भाई इस लाइन से ऊपर है तो सेम सेगमेंट के ही एंगल होंगे। अब देखिए इसी आर्क से हम कह रहे हैं, ये जो आर्क है, इसी आर्क से एक तो आपने सेंटर पर एंगल बनाया ये, और इसी आर्क से रिमेनिंग सर्कल पे जो एंगल है उन दोनों का रिलेशन जो होता है वो हाफ का होता है। ये भी अभी हमने बात करी थी ना यहाँ पे, तो हाफ का रिलेशन है कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल का ठीक दो गुना होगा, या ये वाला एंगल इस वाले एंगल का ठीक हाफ होगा। जैसे अगर ये 120 है तो ये 60 होगा, और ये ऐसा नहीं होगा कि ये बदल जाएगा। अभी भी देखिए वही रूल है कि ये सेंटर पर एंगल है और ये वाला एंगल रिमेनिंग पार्ट पर है, बन यहीं से रहा है, तो ये 120 तो ये भी 60, ठीक है। ये देखिए ये भी उसी रूल को फॉलो कर रहा है कि रिमेनिंग पार्ट पर बन रहा है, सेंटर पर बन रहा है, तो इन दोनों का रिलेशन क्या होगा, 120 तो ये 60। और दूसरा आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये सेम सेगमेंट में एंगल बन रहे हैं तो इन सबने बराबर ही होना है, ठीक है। तो ये टर्म्स हैं जो हमारे इस एक्सरसाइज में हमें यूज़ करनी है, समझ गया। बस ध्यान ये रखना है अपने कि जो रिमेनिंग पार्ट में मैं बोल रहा हूँ सर्कल पे, वो बिल्कुल सर्कल पर टच होने चाहिए वो पॉइंट्स, ऐसा नहीं कि वो यहाँ पे तक हो, तब ये रूल काम नहीं करेगा, यहाँ पे ये नहीं, वो सर्कल पर होना चाहिए यहाँ पे से, ऐसे बिल्कुल ऐसे, ठीक है। बस इस फॉर्मूले की मदद से हम ये एक्सरसाइज सॉल्व कर पाएंगे। अब देखिए सारा इसी से रिलेटेड है सब कुछ, इसी फॉर्मूले से रिलेटेड है। देखिए बोल रहा है इन फिगर 16.11 ADB इज एन आर्क ऑफ अ सर्कल, ADB जो है वो सर्कल की आर्क है। अब देखिए यहाँ पे उसने कॉर्ड भी दे दिए तो हमारे लिए हेल्प हो जाएगी, विद सेंटर O, जिसका सेंटर है O, ADB एक आर्क है जिसका सेंटर है O। बोल रहा है ACB इज इक्वल टू 35, बोल रहा है ACB जो है वो 35 हो अगर, तो आपको AOB फाइंड करना है, AOB सेंटर में O है तो यानी ये वाला एंगल फाइंड करने के लिए कह रहा है। देखिए अभी अभी हमने बात करी थी, यही तो थ्योरम थी कि जो ये वाला जो ये वाला एंगल होता है इस वाले एंगल का ठीक दो गुना होता है, सेंटर पर बन रहा वाला एंगल तो रिमेनिंग पार्ट पर बनने वाला एंगल का वो ठीक 2 times होगा। दूसरा भी देखिए, लेकिन आप ये भी देखिए क्या ये दोनों जो एंगल बन रहे हैं ये सेम आर्क से बन रहे हैं, मतलब इनके फुट एक ही जगह पर है, बिल्कुल है। देखिए ऐसा नहीं है, मैं कह रहा हूँ कोई ऐसा तो नहीं बना रहा ये कि सेंटर पर तो इसने बना दिया ये वाला और इसने अपना फुट अलग कर लिया यहाँ से, ये एक भी अगर अलग हो गया तब ये काम नहीं करेगा। सेम आर्क मतलब फुटप्रिंट दोनों का सेम होना चाहिए, ये एक ही जगह से दोनों स्टार्ट होने चाहिए, ठीक है। बस ये सर्कल सेंटर पर एंड हो रहा है, ये सर्कल पर एंड हो रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट दोनों का एक ही होना चाहिए तभी ये काम करेगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट एक ही है, बिल्कुल है। देखिए ये AB से शुरू हो रहे हैं दोनों, ADB उसने एक आर्क कही थी, यहाँ से यहाँ तक एक आर्क कही थी, तो ये ADB एक आर्क हो गई, तो एक सेंटर पर एंगल बन रहा है इस आर्क से और एक रिमेनिंग पार्ट पर बन रहा है, तो ठीक इसका क्या होगा, दो गुना होगा। तो हम बोलेंगे एंगल AOB इज इक्वल्स टू 2 times ऑफ एंगल ACB, बिकॉज एंगल फॉर्म्ड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज 2 times ऑफ द एंगल फॉर्म्ड बाय द सेम आर्क एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। ये जो आर्क है, इस आर्क से सेंटर पर जो एंगल बन रहा है
वो दो गुना होगा उसी आर्क से रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पर बनने वाले एंगल का, यही बात मैं आपको कही। तो हम बोलेंगे सो दैट एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू 2 × 35। ए सी भी 35 था तो कितना हो जाएगा, 35 टू जो होता है 70, तो एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू हो जाएगा 70 डिग्री। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, एक लाइन का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट। करते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकेंड। देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन बोल रहा है, इन फिगर 16.12 ए ओ बी इज अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर ओ। ए ओ बी एक डायमीटर है सर्कल का जिसका सेंटर है ओ। बोल रहा है इज एंगल ए पी बी, एंगल ए पी बी जो सेंटर में होता है उसी एंगल की बात की जा रही होती है, ये पी सेंटर में है। बोल रहा है क्या एंगल ए पी बी एंगल ए क्यू बी के बराबर होगा जो कि होगा 90। गिव रीजंस। देखिए बच्चे जब हम सर्कल के बारे में बात करते हैं तो आपको पता है उससे कुछ रिलेटेड टर्म्स होती हैं, एक तो रेडियस होता है और एक डायमीटर होता है। रेडियस तो होता है सेंटर से सर्कमफ्रेंस की दूरी, और डायमीटर होता है सर्कमफ्रेंस टू सर्कमफ्रेंस, जो लाइन जाती है सेंटर से होकर उसको डायमीटर कहते हैं, मतलब सेंटर से होकर जानी चाहिए तभी वो डायमीटर बनेगा। तो ये डायमीटर जैसे हम ड्रॉ करते हैं तो ये जो सर्कल है ये दो इक्वल पार्ट्स में टूट जाता है और इसको हम कहते हैं सेमी सर्कल, यानी सर्कल का ठीक आधा है ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा भी ठीक आधा है, आधा आधा। जैसे आप किसी रोटी को बीचों बीच तोड़े तो उसको दो इक्वल पार्ट्स में आप कहेंगे कि हाफ हाफ हो गई, तो उसको हम सेमी सर्कल भी कहते हैं। ठीक है, सेमी सर्कल हो गए, आधे सर्कल को कह रहे हैं। तो अगर हम इसे देखें तो ये भी तो एक आर्क ही है, एक बड़ी आर्क हो गई, बट बस वो फर्क इतना है कि पिछली बार जो आर्क थी हम उसे डायमीटर पर नहीं ले रहे थे, वो छोटी सी आर्क थी, ये इतनी बड़ी हो गई है कि ठीक सेमी सर्कल तक पहुंच रही है, यानी ये जो इसकी जो ये जो आर्क की जो लेंथ है वो ठीक सेमी सर्कल की सर्कमफ्रेंस के बराबर है। सर्कमफ्रेंस तो पूरा होता है, पूरा गोला, तो ये आधा गोला हो रहा है मतलब, तो ये आर्क ही है असल में। तो ये आर्क इस सेमी सर्कल में जो एंगल बनाती है ना बच्चे, ये ठीक 90 होता है, ये ध्यान रखिए आपको कि सेमी सर्कल पर बनने वाला कोई भी एंगल 90 होता है। अब उसने क्वेश्चन में बोला है कि ये ए ओ बी डायमीटर, डायमीटर का मतलब ये बिल्कुल इसने इसको इस सर्कल को आधे में ब्रेक कर दिया होगा, आधा पार्ट ये हो गया आधा पार्ट ये हो गया। तो ये जो सर्कल है ये डायमीटर इस बताता है कि ये आधा हिस्सा है सर्कल का और ये आधा हिस्सा है। तो इस आधे हिस्से पे जो भी एंगल बनेगा बच्चे, देखिए अब ये आर्क से जो भी एंगल बनेगा ये 90 का ही बनेगा, तो सेमी सर्कल पर बनने वाला एंगल। अब मैं इसको सर्कल आधा बनाता हूँ, ये देखिए ये बना आधा सर्कल। तो यहाँ पर मैं इसमें कॉर्ड में ले रहा हूँ, पर आप समझ जाना ये आर्क का हिस्सा है, ये नीचे वाली आर्क का भी तो एंड पॉइंट है। तो किसी आर्क द्वारा किसी आर्क से, मतलब सेमी सर्कल पर बोल रहा हूँ मैं, कि सेमी सर्कल पर बनने वाला जो भी एंगल है वो 90 ही होगा, बस आपको ये ध्यान रखना है। सेमी सर्कल से सेमी सर्कल पर बनने वाला कोई भी एंगल, आर्क से बोल रहे हैं मुझे, आर्क से बनने वाला जो भी एंगल है, यानी ये देख रहे हैं आप एंड पॉइंट यहाँ पर है, इनसे बनने वाला जो भी एंगल होगा वो 90 होगा। और आपको पता है ये सेम सेगमेंट में बन रहे हैं, बन तो एक ही जगह रहे ना सारे के सारे, एक ही गोले में बन रहे हैं, तो ये सब इक्वल भी होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे यही दोनों बातें लगेंगी, एक तो ये सेमी सर्कल पर बन रहा है, दूसरा ये एक ही सेगमेंट में बन रहा है, ये दोनों बातें लगेंगी, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो बोल रहा है क्या एंगल ए पी बी एंगल ए क्यू बी के बराबर है। अब जरा आप यहाँ पर आइए, इस फिगर को देखिए, ए ओ बी एक डायमीटर है, हम बोलेंगे ए ओ बी इज इक्वल्स टू डायमीटर, ये गिवन है। ठीक है, तो हम बोलेंगे सो दैट ए पी क्यू बी फॉर्म्ड सेमी सर्कल। ठीक है, अब ये सेमी सर्कल है तो हम बोलेंगे सो दैट एंगल ए पी बी इज इक्वल्स टू एंगल ए क्यू बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि एंगल formed by an arc in a semicircle is always a right angle और 90 डिग्री, कुछ भी बोल लीजिए आप। ठीक है, 90 डिग्री है, तो हमें ये तो पता चल गया कि सेमी सर्कल पर बन रहा है तो ये 90 होगा, और ये भी 90 होगा क्योंकि ये भी तो सेमी सर्कल पर ही बन रहा है, और ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये 90 तो ये भी 90 क्योंकि सेम सेगमेंट में बन रहे। ठीक है, एंड एंगल
इन सेम सेगमेंट आर इक्वल. एंगल एंगल जो होते हैं वो सेम सेगमेंट में वो सारे के सारे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. तो बस इन्हीं दो टर्म्स की मदद से, इन दो जो हमने कंडीशंस पढ़ी हैं, इन कंडीशंस को हमने यहाँ पर अप्लाई किया और हमें पता चल गया ए पी बी जो है वो ए क्यू बी के बराबर होता है. क्यों? क्योंकि सेम सेगमेंट में बन रहे हैं. दूसरा कि ये सेमी सर्कल में बन रहे हैं इसलिए 90 है. तो सेमी सर्कल पर हैं इसलिए 90 है, एक ही सेगमेंट में बन रहे हैं इसलिए दोनों एक जैसे ही हैं, तो ये भी 90 तो ये भी 90. ठीक है, तो यही रीज़न उसने पूछा था, ये हमने रीज़न बता दिया. तो ये हो गया भैया क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा कंप्लीट. करते हैं क्वेश्चन नंबर 3. ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है. बोला है इन फिगर 16.13 पी क्यू आर इज एन आर्क ऑफ अ सर्कल ओ. एक सर्कल है ओ सेंटर का जिसमें पी क्यू आर उसकी एक आर्क है. और कह रहा है इफ पी टी आर इज इक्वल टू 35, पी टी आर ये 35 दे रखा है आपको, तो आपको पी एस आर बताना है. पी एस आर ये आपको बताना है. ठीक है, अब देखिए बच्चे यहाँ पर उसने कोई कॉर्ड नहीं दिया, बस आर्क दिया है. बोला है पी क्यू आर एक आर्क है. तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया था कि अगर वो कॉर्ड दे या ना दे, आपको खुद से कॉर्ड मान लेनी है इमेजिनरी की. यहाँ पर एक कॉर्ड तो होगी भैया, अगर इन दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे तो आपको एक सीधी लाइन तो मिल ही जाएगी. तो आप उसको इमेजिन कर लें कि यहाँ पर एक कॉर्ड होगी. तो आपको दो सेगमेंट दिख गए, तो ऊपर वाला और एक नीचे वाला सेगमेंट. अब देखिए ये जो एंगल है बच्चे, इसका फुट देखिए, ये भी यहीं पर है पी और आर पर, और इस वाले एंगल का फुट भी देखिए पी और आर पर. तो ये दोनों एंगल एक ही फुट से बन रहे हैं और सेम सेगमेंट में बन रहे. देखिए एक ही सेगमेंट में बन रहे हैं. ये देखिए ये जो सर्कल है इसके एक ही हिस्से में बनने वाले एंगल हैं ये दोनों. और अभी अभी हमने पढ़ा था कि एक ही सेगमेंट में बनने वाले एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. तो हम बोलेंगे एंगल पी टी आर इज इक्वल टू एंगल पी एस आर, क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ सेम सेगमेंट. तो सेम सेगमेंट में तो इक्वल होंगे, सो दैट एंगल पी एस आर इज इक्वल टू ऑल्सो 35 डिग्री. देखिए एक ही लाइन में इसका सॉल्यूशन आ जाता है. देखिए इतना आसान क्वेश्चन है, बस आपको वो बात ध्यान होनी चाहिए, वो जो एक जो हमने शुरू में जो थ्योरम पढ़ी थी, या जैसे आप फॉर्मूला कह लीजिए, वो जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि सेंटर पर और सेगमेंट में एक ही सेगमेंट में होने वाले एंगल इक्वल होते हैं और सेंटर रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल का क्या रिलेशन होता है, बस उसकी मदद से एक ही लाइन में इसका आंसर. ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन 3 भी हमारा कंप्लीट. अब कर लेते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4. पढ़ते हैं क्वेश्चन 4. कह रहा है इन फिगर 16.14 ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड एंगल ए बी इज इक्वल टू 60. आपको ए डी बी फाइंड करना है, ये वाला एंगल फाइंड करना है. देखिए बच्चों अब यहाँ पर ये इस तरह से इन्होंने बना के दिया है ताकि ये थोड़ा सा इल्यूजन पैदा करे, मतलब देखने में एकदम से क्लियर इमेज इसका माइंड पर ना जाए, जैसे जो प्रीवियस जो भी फिगर थे वो साफ साफ समझ में आ रहे थे. ठीक है, इसको इस तरह से बनाया गया था यहाँ पर, यहाँ पर कि साफ साफ दिख रहा था कि कौन सा वाला फॉर्मूला लगाना है हमने. यहाँ पर इन्होंने थोड़ा सा इसको साइड में करके दे दिया ताकि दिखने में थोड़ा सा ये कन्फ्यूजिंग लगे. तो हम क्या करेंगे, इसको अपने हिसाब से, अपनी सहूलियत के हिसाब से थोड़ा सा चेंज कर लेंगे. देखिए तो आप इस फिगर को इधर उधर थोड़ा सा चेक करके देखें, घुमा के देखें, तो आपको इसमें वही सेंस नज़र आएगा जो हमने अभी तक पढ़ा है पहले वाले फिगर्स में. ध्यान से देखिए, अगर मैं ए बी को मिला दूँ मुझे ठीक है, ए बी को अगर मैंने मिला दिया, देखिए फिर से दो सेगमेंट में बन गया, एक नीचे वाला सेगमेंट माइनर और एक ऊपर वाला सेगमेंट मेजर सेगमेंट. ठीक है, तो हमें पता चल गया कि एक ही सेगमेंट में बन रहे. और ये जो एंगल ए और बी है, देखिए सॉरी मतलब जो ए और बी जो आर्क के जो दो पॉइंट्स हैं एंड पॉइंट्स, उन्हीं से एक एंगल बन रहा है ऊपर यानी सेंटर पर, और उन्हीं से एक एंगल बन रहा है सेंटर से हटके. अब सेंटर से हटके सर्कल पर कहीं भी बने तो रूल तो वही लगेगा कि सेंटर और रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल वाला. आप देखिए सेंटर पर एंगल बन रहा है और रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पर कहीं पर भी बने, ये यहाँ पर बने, यहाँ पर बने, इससे क्या फर्क पड़ता है. उसने बना के ही जानबूझ के साइड में दिया है ताकि ये क्लियर इमेज इसका देखने वाले के दिमाग में ना जाए. अगर मैं यहाँ बना देता वो फिगर को, इसी एंगल को यहाँ बना देता तो आपको साफ साफ दिख रहा होता, आप तुरंत से उसमें फॉर्मूला अप्लाई कर देते. लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, उन्होंने साइड में बना के दिया है, तो कोई इशू नहीं है, हम लोग रूल से नहीं हटेंगे. देखिए रूल वही है कि सेंटर पर बनने वाला एंगल रिमेनिंग सर्कल पर बनने वाले एंगल का ठीक 2 टाइम्स होता है. ऐसे बोलिए, रिमेनिंग सर्कल पर बनने वाला एंगल सेंटर पर बनने वाले एंगल का हाफ होता है. तो अगर ये 60 है तो ये कितना होगा, 30 होगा.
बस है ना, साइड में भी दिया है तो क्या हुआ, रूल तो वही लगेगा, रूल से हटके तो ये भी नहीं होगा, तो ये रूल पर ही काम कर रहा है। देखिए ए डी बी जो है उसी से ए ओ बी भी बन रहा है और एक ही सेगमेंट में बन रहा है, तो इसका ठीक हाफ हो जाएगा, या कहेंगे इसका ठीक ये दो गुना होगा। तो हम बस आंसर आ गया हमारा, अब हम इसे लिख देते हैं क्या क्या बोल रहे हैं। हम बोलेंगे एंगल ए डी बी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल ए ओ बी, ए ओ बी पर एंगल जो है उसका हाफ होगा, तो ए डी बी कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ 60, तो ये 30 टाइम्स जाएगा, इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। तो एंगल ए डी बी इज इक्वल्स टू 30 डिग्री क्यों होगा, हम बोलेंगे एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल फॉर्म्ड बाय इट इन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन 4 भी हमारा कंप्लीट, और इसी के साथ ये एक्सरसाइज भी होती है हमारी फिनिश। तो आज के लिए बच्चे इस वीडियो में इतना ही करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसके आगे क्वेश्चन। थैंक यू।